नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। ये उत्तर है पर स्वयं एक प्रश्न है। ये प्रदेश है लेकिन मानो पूरा देश है। यहाँ की सियासत पूरे हिंदुस्तान की झांकी है। आने वाले दिनों में जाने क्या क्या देखना अभी बाकी है। तो आज से हम आपको उत्तर प्रदेश की सियासत की कहानी सुनाएंगे, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की पूरी दास्तान बताएंगे। ये यूपी है भैया, राम जी की भूमि पे राम जी का नाम लेके सब कामकाज हो जाता है। यही अयोध्या जी से तो राम राज्य का सत्ता सूत्र निकला था। यही तो थे बांके बिहारी, अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाने वाले। बड़े बड़े योद्धाओं को रण की नीति सिखाने वाले। भैया ये यूपी है, यहाँ त्रेता और द्वापर से राजधर्म और राजनीति का रिश्ता रहा है। उत्तर प्रदेश को सारा देश अपने लिए आदर्श के रूप में देखता है। द्वापर हो, त्रेता हो, या जब भी कोई तंत्र होगा तो उसको चलाने का कोई नीति होगी तो उसे हम राजनीति कहेंगे। तो भैया आज हम इसी यूपी की कहानी सुनाते हैं, यहाँ के सामाजिक प्रयोगों की कहानी, सोशल इंजीनियरिंग की कहानी, सामाजिक समानता के आंदोलन से उपजे राजनीति के नए विमर्श की कहानी। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति जब उत्तर प्रदेश में शुरू हुई उसके बाद के ये प्रयोग हैं, और राजनीति में सत्ता कैसे प्राप्त किया जाए उसके बाद उस दौर के सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग हैं, जिसमें लोगों को बांट करके लोगों को राजनीति के लिए जोड़ने का प्रयोग क्रम हुआ था। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति ने जो बीज बोए, देश की राजनीति ने वही फसल काटी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भी ओरिजिन्स की सारी जड़ें हैं, और उसके बाद 50 से 60 के दशक में गैर कांग्रेसवाद का जो इमरजेंस हुआ उसकी जड़ें भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। ये यूपी है भैया, संयोग तो ऐसे ऐसे बनते हैं कि पूछिए नहीं। देश के पहले प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से थे, वर्तमान भी हैं। अरे 15 में से 9 तो यहीं से हैं। कहा जाता है कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में जितना एक्टिव उत्तर प्रदेश का छात्र रहा है उतना शायद किसी और प्रदेश का ना रहा हो। तो कुछ तो ऐसे माहौल में यहाँ के युवा नेता उभरते थे। और दूसरा ये कि दिल्ली से निकटता की वजह से और उस समय की कांग्रेस के ऊंचे नेताओं के महत्वपूर्ण बनने की वजह से यहाँ के लोगों में एक महत्वाकांक्षा जल्दी पैदा होती थी कि अगर वो थोड़ी भी मेहनत करें तो उनके लिए राजनीति का रास्ता उन्हें दिल्ली तक पहुंचाएगा। वो जो देश यहाँ नेहरू की कर्मभूमि रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रही है, तो जो राष्ट्रीय क्षितिज पर जिन्होंने राजनीति का एक बड़ी रेखा खींची वो ज़्यादा लोग यूपी से जुड़े रहे हैं। आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश राज्य नहीं था, वो छोटे छोटे रियासतों में बंटा हुआ था। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब इन रियासतों ने अंग्रेजों के नाकों चने चबवा दिए थे। वैसे तो अंग्रेज विश्वास करते थे डिवाइड एंड रूल में, यानी कि बांटो और राज करो, लेकिन यहां पर एक अलग तरह का बंटवारा किया, रियासतों को एक साथ राज्य बना दिया ताकि वो एकजुट होकर अंग्रेजों पर हमला न कर सके। 1902 में इसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहा गया। 1937 में नाम बदलकर केवल यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, और आजादी के 3 साल बाद यह कहलाया उत्तर प्रदेश।
क्रांति की अलख जगाने में भी यूपी बहुत आगे रहा। अब बताइए ना, 14 साल की उम्र में भी बेंत खा के चंद्रशेखर आजाद भारत माता की जय बोलते रहे थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भैया, यूपी की मिट्टी से बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले। इसमें बराबर के स्तर पर हिंदू और मुस्लिम लीडरशिप उत्तर प्रदेश में दी। बख्त खान, अशफाकुल्ला खान, आसफ अली, हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली, मुख्तार अहमद अंसारी, उसी तरह गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद बल्लभ पंत, महावीर त्यागी, पुरुषोत्तम दास टंडन, मुनीश्वर उपाध्याय, राजा महेंद्र प्रताप, ये लोग थे। तो आप देखें तो आज़ादी के कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी कौम एक साथ आजादी की लड़ाई में आगे चल रही थी। इसके समानांतर मुख्य धारा की राजनीति को भी यही जमीन निर्धारित कर रही थी, दिशा दे रही थी। एक ओर इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू थे, उनके लड़के जवाहरलाल थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। तो उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर स्वतंत्रता का संघर्ष हो रहा था और स्थानीय स्तर पर नेता, राष्ट्रीय स्तर पर नेता। पंडित जवाहरलाल नेहरू तेजी से महात्मा गांधी की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के जरिए चुनाव के बाद भारतीयों को शासन में और अधिक भूमिका देने का फैसला लिया। फरवरी 1937 में चुनाव हुए और कांग्रेस को देश की कुल 1585 असेंबली सीटों में से 711 पर जीत मिली। 11 में से 5 प्रांत, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी में पूर्ण बहुमत मिला। यूपी में भी पहली बार सरकार बननी थी, सवाल था मुख्यमंत्री कौन। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये वो दौर था जब कांग्रेस वाराणसी में बहुत अधिक मजबूत थी और प्रयागराज के नेताओं का वर्चस्व भी खूब झलकता था। मदन मोहन मालवीय, रघुनाथ सिंह, संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे बड़े नाम थे जो बहुत चर्चित थे। लेकिन जो नाम सामने आया वो था गोविंद बल्लभ पंत का, और ये नाम नेहरू की तरफ से आया। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी पुरुषोत्तम दास टंडन जी को चाहती थी। जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा लगता था कि पंत जी बहुत सरल हैं, सीधे हैं, इसलिए उन्होंने सरदार पटेल जी से बात की। तो सरदार पटेल उस समय 1947 में यहाँ लखनऊ आए थे, लखनऊ भेजे गए थे नेहरू जी के द्वारा। उन्होंने यहाँ के विधायकों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जी चाहते हैं कि पंत जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन जी से भी बात की। टंडन जी को कोई आपत्ति नहीं थी, टंडन जी सरल व्यक्ति थे, वो तैयार हो गए। पंत यूपी के नेताओं में नेहरू को सर्वाधिक प्रिय थे। कांग्रेस में एक समय जब नेहरू और बोस के बीच विवाद हुआ तब पंत ने ही मध्यस्थता की थी। इसके अलावा दोनों कई बार जेल में लंबे समय तक एक साथ रह चुके थे और सबसे बड़ी बात थी पंत गांधीवादी विचारधारा के पक्के समर्थक थे। गोविंद वल्लभ पंत 2 साल तक यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर रहे, हालांकि इस दौरान ब्रिटिश हुकूमत से उनके रिश्ते बेहद तल्ख रहे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, कांग्रेस को बिना भरोसे में लिए अंग्रेजों ने भारत को उसका हिस्सा बना दिया। नाराजगी में कांग्रेस के मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। पंत ने भी अपनी गद्दी छोड़ दी। 1942 का साल आजादी के लिए निर्णायक माना जा रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद बोल से गूंज रहा था। आंदोलन दबाने के लिए अंग्रेजों ने नेताओं को जेल भेजना शुरू कर दिया। गोविंद बल्लभ पंत को भी अहमदनगर किले की जेल में डाल दिया गया। इसी किले में पंत और नेहरू साथ रहे।
जब 1937 में कांग्रेस की सरकार बननी थी यहाँ, तो पंडित नेहरू ने ही गोविंद वल्लभ पंत का नाम सुझाया था, तो इससे भी इस बॉन्डिंग को समझा जा सकता है। अंग्रेजों ने 1946 में फिर चुनाव करवाए, कांग्रेस को फिर बहुमत मिला और पंत ही दोबारा कांग्रेस की तरफ से यूपी के प्रीमियर बने। लेकिन अब पंत के लिए मुश्किल दौर शुरू होने वाला था, क्योंकि समाज में अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता की फूट डाल दी थी और वो रंग दिखाने लगी थी। जब विभाजन हुआ तो उत्तर प्रदेश में बहुत तनाव की स्थितियां थी। यहाँ से बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाने वालों की संख्या यूपी और बिहार के मुसलमानों की बहुत ज्यादा थी। उस समय उन सांप्रदायिक तनाव की स्थितियों में गोविंद वल्लभ पंत जैसे व्यक्ति को बेहद चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन यह पंत जी जैसे लोगों का ही योगदान है कि यूपी में उस तरह दंगे नहीं हो पाए, उस तरह हिंसा नहीं हुई जिस तरह बंगाल में हुई। सेंट्रल प्रोविंस में पढ़ाई का सेंटर रही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आवाज उठने लगी थी। मुस्लिम लीग की ओर से तकरीरें करने वाले जिन्ना समेत तमाम नेता ये कह रहे थे कि हमारी तो पहचान अलग है, संस्कृति अलग है, तो देश भी अलग होंगे। अलगाव की आग भड़कने से पहले यूपी में सांप्रदायिकता का धुआं सुलगने लगा था। तब यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस में 16 सेंट्रल असेंबली सीट हुआ करती थी। इनमें 6 मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने सभी 6 सीटें जीत ली। यहाँ तक कि स्टेट असेंबली की 66 मुस्लिम आरक्षित सीटों में से 54 सीटें मुस्लिम लीग ने ही जीती। उस आग में देश जला, लोग कटे, एक देश दो हिस्सों में बंट गया। समुदायों के जातियों के टकराव तो पहले से रहे, लेकिन संप्रदायों के टकराव के आगे भाईचारा नहीं टिक पाया। बहुतों ने कहा यह हमारी धरती नहीं, तो कुछ ने कहा यहीं जिए हैं, यहीं मरेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद ऐसा कहने वाले कम थे, क्योंकि भारत में सबसे अधिक मुसलमान उत्तर प्रदेश से ही पाकिस्तान गए। उस दौर में टकराव की सबसे बड़ी लकीर बंगाल में खींची, पर सबसे गाढ़ी लकीर उत्तर प्रदेश में। 1916 में जो लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता तय हुआ था, उसी अधिवेशन के बाद लखनऊ, जिसका नाम, जिसको कांग्रेस ने लखनऊ करके शुरू किया था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था और लोगों को लगता था कि हिंदू मुस्लिम राजनीति ठीक से चलेगी, चूंकि मुसलमानों की संख्या वो प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, सबसे ज़्यादा है, और पाकिस्तान की मांग भी सबसे पहले यहीं उठी थी। मैंने आपको बताया था कि सब सारे प्रयोग जो हुए, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे मुस्लिम लीग के रहे हों, चाहे किसी पार्टी के रहे हों, सबसे अधिक प्रयोग उत्तर प्रदेश की धरती पर ही हुए हैं। ये भी समझिए कि यूपी भगवा राजनीति की प्रयोगशाला कोई आज नहीं बनी है। 1948 में फैजाबाद सीट पर उपचुनाव होना था। एक कांग्रेसी नेता थे, बड़े कद और कायदे के समाजवादी कहलाते थे, आचार्य नरेंद्र देव। उसूलों पर कांग्रेस छोड़ दी थी और सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। फैजाबाद सीट से चुनाव में उतर गए थे। कांग्रेस को चुनाव में उतारने के लिए उनकी टक्कर का नेता नहीं मिल रहा था, लेकिन तब काम आया था धर्म। आचार्य नरेंद्र देव एक साहित्यकार, एक चिंतक और एक प्रखर समाजवादी पुरोधा होने के नाते लोकप्रिय तो थे, लेकिन उनकी सोच, जैसा हम कह सकते हैं कि जो एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की होती है, जिसमें धर्म का भी एक मेल जोल रहता है, वैसी नहीं थी। और उनका जोर हमेशा शिक्षा पर और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने पर रहता था, जिसमें धर्म की जगह थोड़ी कम रहती थी। ऐसे में जब उनका एक अलग समर्थन का आधार बनने लगा था, तो कांग्रेस को शायद ये बात उस समय लगा होगा कि अगर वो और मजबूत होते हैं तो कांग्रेस के कई नेताओं के सामने एक संकट खड़ा हो सकता है। इसीलिए उनको इस आधार पर उनका विरोध किया गया कि वे उतने धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं। ये वो दौर था जब राजनीतिक दल होने का मतलब ही होता था सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस।
फिर भी कई ऐसी पार्टियां थीं जो चींटी होकर भी हाथी से भिड़ने का हौसला रखती थी। उत्तर प्रदेश के चुनावों में इन्होंने भी खूब ताल ठोकी। कांग्रेस, ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और सोशलिस्ट पार्टी, इनमें से कुछ पार्टियों ने आगे चलकर नाम बदले, नाम कमाए, लेकिन कुछ क्रांति ही नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ 1948-50 के लगभग जो माहौल था, एक तरफ तो स्वतंत्रता को लेकर जो खुशी थी, जो उत्साह था, वो अपनी जगह था। कांग्रेस पार्टी का हर चीज़ के लिए क्रेडिट लेने का एक वो तौर तरीका अपनी जगह था, लेकिन तमाम सारे लोग, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो महत्वाकांक्षी थे लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं थे, वो भी मजबूत होते चले जा रहे थे। 429 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, एक सीट नॉमिनेटेड सदस्य के लिए थी। कांग्रेस ने 388 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर सोशलिस्ट पार्टी, जिसके 20 सदस्य जीते। लोहिया के बारे में जितना हम जानते हैं कि वे एक बहुत ही स्पष्टवादी और बहुत ही सिंपल लिविंग, यानी कि बहुत ही साधारण जीवन शैली के समर्थक थे, और उनका सोचना शुरू से ये था कि कांग्रेस जिस तरह से धार्मिक तत्वों को लेकर, पूंजीवादी तत्वों को लेकर, अल्पसंख्यक के अलावा बहुसंख्यक राजनीति करके आगे बढ़ती है, वो शायद उनके विचार में भारत के और उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए एक सही मिश्रण नहीं था। गोविंद बल्लभ पंत एक बार फिर यूपी के सीएम बन गए। सोचिए, ऐसा राज्य जिसकी जितनी आबादी दुनिया के बड़े बड़े देशों की नहीं रही, इतनी वृहद संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत, इतने बड़े राज्य का 3 बार मुख्यमंत्री बनना। जी बी पंत का कद बहुत बढ़ा और साथ साथ यूपी कांग्रेस में अब पद की लालसा भी उतनी ही बढ़ी। उत्तर प्रदेश में पंत, मैंने पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, बंगाल में विधान चंद्र राय, और उसी तरह से ये रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश में, या हीरालाल शास्त्री राजस्थान में, ये नाम ऐसे थे जो अपने राज्य में प्रधानमंत्री से बड़े थे, और जवाहरलाल नेहरू भी उन लोगों का की कद्र करते थे। तो उत्तर प्रदेश के मामले में अंतिम निर्णय गोविंद बल्लभ पंत करते थे। गुटबाजियां थी, तरह तरह की गुटबाजियां थी। खैर, तब की राजनीति में थोड़ी बहुत लाज नीति भी थी। नेहरू की लाज पंत की लाज रखने के लिए भीतरी कलह दबाकर सरकारी कामकाज चलता रहा, पर अपने बिगाड़ के डर से ईमान की बात न बोलें, ऐसा पंत जी से नहीं होता था। बल्कि उनके उसूल तो ऐसे थे जो अब तक याद किए जाते। मैं क्रांतिकारी आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अहिंसक आंदोलन, सत्याग्रह का आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया, उस की का एक असर कांग्रेस पर था, और उसी कांग्रेस के नेता पंडित पंत थे। तो उन्होंने अपने जीवन में अपने ऊपर कम खर्च हो, और अगर मान लीजिए कोई उन पर व्यक्तिगत हो रहा है, ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उनकी जेब से जाना चाहिए उसका, इसके भी उदाहरण हैं। फिजूल खर्ची के सब नफरत करते थे। दूसरे वो ये मानते थे कि सरकारी ओहदों पर बैठे लोगों को सरकारी संसाधनों का उपयोग अपने निजी हित में नहीं करना चाहिए। यूपी की पहली सरकार में थोड़ी बहुत कलह थी जो संभाल ली गई, लेकिन एक मुद्दा था श्री राम जन्मभूमि का, जो संभालना कांग्रेस के लिए आसान नहीं था। 1949 की बात है, योगी आदित्यनाथ के गुरु ने पंत सरकार को पसोपेश में डाल दिया था। तब गोरक्षनाथ पीठ गोरखपुर के महंत हुआ करते थे दिग्विजय नाथ। योगी जी के गुरु महंत अवैद्यनाथ के भी गुरु थे दिग्विजय नाथ। यूपी के मठ मंदिरों से आवाज उठ रही थी, राम जन्मभूमि को मुक्त करो। दिसंबर का महीना था, तारीख थी 22, साल था 1949।
आरोप है कि उनकी अगुवाई में विवादित ढांचे के भीतर चोरी छिपे भगवान राम की प्रतिमा रख दी गई थी। भजन कीर्तन होने लगे, मामले को संभालने में पंत सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। यहां तक कि फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर से भी आदेश की तामील नहीं करा पाए थे। तब से सरकार की नीति थी कि मंदिर मुद्दे पर संतों के साथ दिखने से देश में माहौल बिगड़ सकता है। क्योंकि तत्काल विभाजन हुआ था, विभाजन के बाद की जो परिस्थितियां थी, हिंदू मुस्लिम जो तनाव था उसको देखते हुए नेहरू जी जरूर चाहते थे कि पंत जी उसमें हस्तक्षेप करें और गोलियां चलवाएं, लेकिन वहां के जिलाधिकारी ने पंत जी को कहा कि जो परिस्थिति है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए कोई सख्त कदम नहीं लिया जा सकता। इसलिए नेहरू जी सेकुलरिज्म का के बारे में पंत जी को लिखते रहे, लेकिन जो व्यावहारिक बात थी, जो जमीनी हकीकत थी, उसको देखते हुए पंत जी ने एक उस मामले को टालने की ही कोशिश की और वो मामला धीरे धीरे कम हो गया। कांग्रेस सेक्युलरिज्म के नाम पर आगे बढ़ रही थी। उसे अंदाजा था कि अगर राम मंदिर के मुद्दे पर वो हिंदू पक्ष के साथ आती है तो बुरा राजनीतिक असर उस पर पड़ सकता है। इसीलिए पंत सरकार ने यूपी के सबसे अहम मुद्दे पर कृपया उचित दूरी बनाए रखें की परमानेंट तख्ती टांग ली। राम मंदिर मामले पर विधानसभा में पंत ने नपातुला बयान दिया। क्योंकि वो तो ताला बंद कर दिया गया था और इसलिए मामला न्यायालय में था, तो सरकार को भी सुविधा रहती है ये कहने में कि मामला न्यायालय में है, इसको इसमें क्या निर्णय लिया जाए, तो वो उसका रास्ता अपनाया था पंत जी ने। गोविंद वल्लभ पंत ने आजाद यूपी की पहली सरकार 4 साल तक चलाई। पता नहीं राजनीतिक मजबूरी थी या ये जरूरी था, पर दिसंबर 1955 में एक दिन उन्हें नेहरू जी का दिल्ली से बुलावा आ गया और वो गृह मंत्री बनकर केंद्रीय राजनीति में चले। उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास की पूरी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। पंत नहीं तो कौन, ये सवाल बड़ा था उत्तर प्रदेश की सियासत में, लेकिन कहते हैं इसका जवाब स्वयं पंत तलाश चुके थे। काशी के डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कि पंत कैबिनेट में अहम विभाग शिक्षा वित्त ये सब संभाल चुके थे, पंत का बहुत भरोसा था उनमें। हालांकि गुटबाजी थी, महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन इसके बावजूद गोविंद वल्लभ पंत ने यह तय कर लिया था, सो तय कर लिया था। वो दिल्ली गए और अगले ही दिन डॉक्टर संपूर्णानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मन से साहित्यकार, सोच से गांधीवादी, वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। यूं तो बड़े बड़े नेता थे, कमलापति त्रिपाठी, चौधरी चरण सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, चंद्रभानु गुप्ता, हेमवती नंदन बहुगुणा, लेकिन नेहरू जी की नजर में संपूर्णानंद की सादगी सब पर भारी पड़ी। वास्तविक चुनौती थी वो चौधरी चरण सिंह से मिले। चौधरी चरण सिंह उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में और शायद और जगहों पर भी होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आंतरिक मामले को सुलझाने के लिए संपूर्णानंद के की मित्रता जो बाहर थी वो काम आती थी। मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। संपूर्णानंद को बनारस से चुनौती मिल रही थी, उसकी वजह ये थी कि कमलापति त्रिपाठी चुनौती दे रहे थे, तो उनकी तरफ से भी था, सीबी गुप्ता की तरफ से भी था। संपूर्णानंद हिंदी संस्कृत के विद्वान थे, खगोल विज्ञान और ज्योतिष में उनका बड़ा मन रमता था, पर डॉक्टर संपूर्णानंद के लिए ये कांटों भरा ताज था कि वो सहकारिता का जो आंदोलन था
उसके वो पक्ष में नहीं थे और मानते थे कि वो फेल कर गया है। दूसरा, ईसाइयत जो फैल रही थी तो वो आर्य समाज का उन पर प्रभाव था, तो वो कहते थे कि ये नेहरू के कारण जो है आज़ादी के बाद भी ईसाइयत उत्तर प्रदेश में फैल रही है और इसके ये प्रमाण है। बाकी आर्थिक सवालों पर, यानी कृषि नीति कैसी होनी चाहिए, उस पर उनके मतभेद थे। सच यही था कि संपूर्णानंद सरकार बस चल ही रही थी। एक साल में काम जो किया सो किया, लेकिन सरकार और संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में संपूर्णानंद अपनी धाक नहीं जमा पाए। पार्टी के बड़े नेता अपनी डफली अपना राग वाली धुन बजा रहे थे और चुनाव करीब आ रहे। बहरहाल पहली विधानसभा का कार्यकाल पूरा हुआ। कांग्रेस को इसी चुनाव में संगठन की अहमियत की पहली झलक मिल गई। नेताओं में आपसी बैर था, संगठन वालों को लग रहा था कि हमारे आगे कौन टिकेगा। दूसरे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के आगे कोई टिक नहीं पाया, लेकिन सीटों की संख्या कम हो गई। 102 सीटों का नुकसान हुआ था उसे। 430 में से कांग्रेस को 286 मिले। दूसरे नंबर पर नई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिसके मुखिया थे राम मनोहर लोहिया, जिसे 44 सीटें मिली। जनसंघ को 17, संपूर्णानंद खुद अपनी काशी शहर दक्षिण की सीट बहुत मुश्किल से जीते। कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौट तो आई, लेकिन तब तक पार्टी के अंदर इतने धड़े बन चुके थे कि संपूर्णानंद के लिए काम करना मुश्किल हो रहा था। चौधरी चरण सिंह खुले मंच पर दिल खोलकर अपने सीएम का शब्दों से ऐसा अभिषेक कर देते थे कि पूछिए मत। तब 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को चिट्ठी लिखी, इशारा किया कि चौधरी साहब, आपकी निजी पसंद नापसंद अलग हो सकती है, लेकिन पार्टी का हित देखिए, सीएम के खिलाफ खुली बयानबाजी से बचिए। कांग्रेस सरकार कमलापति त्रिपाठी संपूर्णानंद गुट, चंद्रभानु गुप्ता गुट और चरण सिंह गुट में बटी थी। चौधरी चरण सिंह संपूर्णानंद की शिकायत नेहरू से करते रहते थे, लेकिन नेहरू भी जान रहे थे कि अपने आदमी के साथ खड़े रहना। तो चुगली का रिवर्स इफेक्ट ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। लेकिन गुट एक हो तो चैन मिले, गुट तो कई थे। चौधरी साहब का गुट कमजोर पड़ा तो चंद्रभानु गुट ने भी संपूर्णानंद को चैन से बैठने नहीं दिया। कांग्रेस में जो CSP थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके जो कुछ प्रमुख नेता थे उसमें से चंद्रभान गुप्त भी एक थे। चंद्रभान गुप्त का उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियों से परे उनका प्रभाव था, पार्टियों से परे भी उनका प्रभाव था। और चंद्रभान गुप्त इस नाते वो ऐसा नहीं था कि कोई प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन उनके इस प्रभाव से दिल्ली के लोग भी आशंकित रहते थे, दिल्ली के नेता भी आशंकित रहते थे। कहा जाता है कि तब चंद्रभानु का दबदबा प्रदेश में इतना था कि कार्यकर्ता पंडित नेहरू से भी पहले उनकी बात माना करते, मतलब जिसके पीछे काडर उसका चलेगा ऑर्डर वाला मामला। ये तब साबित हो गया जब यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुए। डॉक्टर संपूर्णानंद चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष बने मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, लेकिन भैया काडर में तो चंद्रभानु का ऑर्डर चल रहा था। 630 मतों के अंतर से चंद्रभानु गुप्ता से हार गए मुनीश्वर दत्त। संपूर्णानंद ने इसे अपनी हार माना, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नेहरू के समर्थन और संपूर्णानंद के मुख्यमंत्री रहते लाल बहादुर शास्त्री तक प्रदेश उपाध्यक्ष का चुनाव हार गए। कोषाध्यक्ष के पद के लिए कमलापति त्रिपाठी जैसे दिग्गज हार गए, क्योंकि वो नेतृत्व तो नहीं कर पाए। और दूसरा ये भी था कि कांग्रेस के अंदर इतनी विविधता थी, महत्वाकांक्षाओं की भी थी, कि अपने एक एक गुट दूसरे को चुनौती देता रहता था। तो राजनीतिक स्थिरता दिल्ली में बनी रहती थी, उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है
कि केंद्र में भी जो लोग थे वो ये इसमें ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे कि वहाँ मुख्यमंत्री बदलते रहे। तो 5 साल में 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बदल जाता था। एक बात जो कही जाती है वो ये कि डॉक्टर संपूर्णानंद मुख्यमंत्री रहते हुए किन्हीं गुमनामी बाबा के पास जाया करते थे, वो गुमनामी बाबा पर्दे के पीछे से बात किया करते थे। कई इतिहासकारों और जानकारों का ये मानना है कि वही सुभाष चंद्र बोस थे। बहरहाल डॉक्टर संपूर्णानंद का इस्तीफा हो चुका था और उन्हें राजस्थान का गवर्नर बना दिया गया, लेकिन उनके जाते ही वो अंतिम कड़ी टूट गई जो सबको गांधी नेहरू के नाम की छत्रछाया में रखती थी। यहीं से यूपी में कांग्रेस के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। 7 दिसंबर 1960 को चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बन गए। भले वो नेहरू के धुर विरोधी थे और नेहरू को भी बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन बात जनमत की थी। बहरहाल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना एक बात थी और बने रहना दूसरी बात। जब जैसे ही चुनौती मिलने लगी तो एक या दूसरे बहाने से उनको हटाया गया और उनको हरवाने में भी शासन प्रशासन की भूमिका का उपयोग किया गया। पार्टी के लिए वो फंड रेजर थे तो उन पर ये आरोप भी लगते थे कि वो पैसों की हेरा फेरी करते हैं, लेकिन चंद्रभानु ने इस आरोप को अपने ऊपर मजाक का एक जरिया बना लिया और अक्सर खुद ही अपने खिलाफ नारेबाजी करके लोगों को चौंका देते थे। वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, उनके पास एक एक आदमी का हिसाब रखा रहता था। उन्होंने एक रजिस्टर मुझे स्वयं दिखाया था जिसमें उन्होंने दिया था किस किस पार्ट किस किस लोगों को कितना कितना चंदा दिया था। उन्होंने 3,000 रुपये उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद के चुनाव में दिया था, वो रजिस्टर देखा था मैंने। तो उन पर ये उनके विरोधी ये आरोप लगाते थे कि गली गली में शोर है सी बी गुप्ता, ये लखनऊ विश्वविद्यालय का नारा था, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो उसको उसका वो मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे आपने नारा नहीं सुना। कोई इस बात पर कोई यकीन नहीं करता था, उनके विरोधी नारा लगाते थे। पर चंद्रभानु गुप्ता कांग्रेस की अंदरूनी कलह शांत नहीं करा पा रहे। कमलापति त्रिपाठी गुट और चौधरी चरण सिंह गुट लगातार उनकी नाक में दम कर रहा। ऊपर से तब तक सामने आ गया कामराज फॉर्मूला। बड़ा चर्चित यह फार्मूला है, 1963 में बतौर अध्यक्ष कामराज ने एक फार्मूला सुझाया, नेहरू से कहा कि संगठन कमजोर पड़ रहा है और कांग्रेस को अगर मजबूत करना है तो उन्होंने फार्मूला दिया कि सत्ता में बैठे जो भी लोग हैं उनको संगठन में आना चाहिए और काम करना चाहिए, अपने पदों से इस्तीफा दें। तो अब चंद्रभानु गुप्ता से भी त्याग पत्र देने को कहा गया, पर वो ठहरे खाटी आदमी। उन्हें समझाने के लिए कांग्रेस को कई मोर्चों पर काम करना पड़ा। 2 अक्टूबर 1963 को आखिरकार चंद्रभानु गुप्ता को इस्तीफा देना पड़ा। सुचेता कृपलानी बंगाल में जन्मी थी, दिल्ली में पढ़ी थी, यूपी से कोई नाता नहीं था। हाँ, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व करती थी, आजादी के बाद पंडित नेहरू की स्पीच से पहले उन्होंने वंदे मातरम गाया था, संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर चुकी थी। तो नेहरू जी किसी और को चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन चंद्रभान गुप्ता ने उस समय सुचेता कृपलानी को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया था। सुचेता कृपलानी जो मंत्री थी उनको चीफ मिनिस्टर बनवा दिया गया था और वो एक पहला सबसे बड़ा प्रयोग था उत्तर प्रदेश का, गैर राज्य का आके मुख्यमंत्री बन जाए। खैर, नियति का खेल था और भारत को सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सुचेता कृपलानी को चुनना था। सहरा भी यूपी के सर बंधना था, सो बंधा। यूपी में कांग्रेस प्रयोग कर रही थी, लेकिन एक कलह को दबाने की कोशिश में दूसरे कलह का जन्म हो जा रहा था। केंद्र में अब न नेहरू थे, शास्त्री जी भी नहीं थे, अब इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को पिता के साथ काम करने का सियासी अनुभव तो था, लेकिन यूपी तो यूपी है, एक अनुभव के सामने नए अनुभव को खड़ा कर देती है।
चौथी विधानसभा के चुनावों के बाद एक ऐसी चुनौती सामने आने वाली थी जो कांग्रेस को बहुत परेशान करने वाली थी। पहली बार कांग्रेस 200 सीटों से नीचे आ गई, कई बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, कमलापति त्रिपाठी अपनी पारंपरिक सीट हार गए, कांग्रेस को 425 में 199 सीटें मिली, जनसंघ को 98 सीटों के साथ बंपर कामयाबी, तीसरे नंबर पर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी रही। इसी चुनाव में लोहिया की पार्टी से एटा की जसवंत नगर सीट से जीतकर पहली बार 28 साल के मुलायम सिंह यादव विधानसभा पहुंचे थे। सुचेता कृपलानी केंद्र की राजनीति में वापस लौट गई। चौधरी चरण सिंह ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। कांग्रेस के पास एक ही विकल्प बचा था और वो थे फिर चंद्रभानु गुप्ता, लेकिन इस बार वो सिर्फ 19 दिन मुख्यमंत्री रहे क्योंकि यूपी कांग्रेस ही टूट गई। चंद्रभानु गुप्ता की सरकार थी 1967 में, वो दो लोगों को मंत्री बनाना चाहते थे, जयराम गुप्ता फैजाबाद के उनके समर्थक थे और उसी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो दो लोगों को मंत्री के रूप में देखना चाहते थे। चंद्रभानु गुप्ता ने उन चौधरी चरण सिंह को तो मंत्री के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने उनके लोगों को शामिल नहीं किया। ये मुख्य कारण था जिसके कारण चौधरी साहब और उनके साथ 17 लोग और उन्होंने कांग्रेस पार्टी तोड़ दी थी। चौधरी चरण सिंह ने न सिर्फ नई राजनीतिक पार्टी भारतीय क्रांति दल बना ली, बल्कि जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में पहली बार उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गैर कांग्रेसी सरकार बन तो गई, लेकिन जब सत्ता मिली तो विचारधाराएं और आपसी अहम का टकराव होने लगा। इस बीच गैर कांग्रेसी राजनीति के जनक राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया। भारतीय क्रांति दल और 6 मंत्रियों समेत कुछ विधायकों ने राजभवन जाकर समर्थन वापसी की परेड की। इनमें पहली बार विधायक बने मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे। चौधरी चरण सिंह की एक साल पुरानी सरकार गिर गई, विधानसभा भंग कर दी गई। उस सरकार में सभी पार्टियों के लोग थे, विपरीत विचारों के लोग भी थे, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस वो भी था, वो जनसंघ भी थी, वैचारिक मतभेद सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गए थे और बाद में इन पार्टियों ने वैचारिक मतभेद के साथ अपने समर्थन वापस ले लिए, चौधरी साहब ने पद त्याग दिया। चुनाव हुए और नतीजे आए तो 5वीं विधानसभा उत्तर प्रदेश की अब तक के इतिहास की सबसे अनोखी विधानसभा साबित हुई। क्या हुआ था दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।